ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश में AIMIM अध्यक्ष अजुद्दीन ओवैसी के दौरे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने निशाना साधा है। टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया। बागपत में किसानों की रैली के दौरान टिकैत ने कहा कि बीजेपी ओवैसी का सहारा लेगी, ओवैसी गाली देंगे लेकिन यूपी सरकार केस दर्ज नहीं करेगी। टिकैत के मुताबिक ओवैसी यहाँ किसानों को बर्बाद करेगा। बीजेपी और ओवैसी ए और बी टीम है, किसानों को इनकी चाल समझने की जरूरत है। वहीं टिकैत के बयान पर बीजेपी फिर मिला गई है। टिकैत पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। टिकैत के चाचा जान वाले बयान पर अब महाभारत शुरू हो गई है। टिकैत के बयान पर AIMIM नाराज है तो भाजपा भी भड़की हुई है। कांग्रेस और सपा की ओर से भी बयानों के तीर चले हैं। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर तंज कसने के लिए उनके पिता मुलायम सिंह यादव को अब्बा जान कहकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब्बा जान के बाद अब चचा जान की एंट्री ने सियासी घमासान को दिलचस्प बना दिया है। इस पूरे मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी का चचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चचा जान है, बीजेपी का चचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में, उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है, वो गाली देगा ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जाने भुला कर जाए बहुत मन्नत के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे, वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको, और आपने देख भी लिया होगा ये षड्यंत्र रचेंगे, ये चुनाव के टाइम पे भी षड्यंत्र रचेंगे। आपने जिला पंचायत में देखा, अगर बागपत के लोग मजबूत ना होते तो कोई जीत सकता था? बीजेपी के आरोप पर राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ पर तो हर कोई राजनीति कर रहा है, यहाँ कौन है जो राजनीति नहीं कर रहा, जो भी वोट देता है वो राजनीति करता है, इसलिए देश में हर आदमी राजनीति करता है। AIMIM के बीजेपी के हिमायती होने के आरोप पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम चुनाव तो लड़ नहीं रहे, चुनाव तो यह दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। यह इनके हैदराबाद से आए सरकारी मेहमान और सरकारी चचा जान हैं, यह इन्हें फायदा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा है कि मैंने बयान नहीं सुना और ना ही कोई आपत्ति है, कोई किसको क्या कहता है इसमें हमें कोई मतलब नहीं है। वहीं राकेश टिकैत के चचा जान वाले बयान पर AIMIM भड़क गई है। AIMIM के प्रवक्ता आसिम वकार ने कहा कि आप कितने बड़े सेकुलर हैं, ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था और 2019 का, इनमें आप बीजेपी को जिता रहे थे और उनके लिए काम कर रहे थे। वकार ने कहा कि मुसलमानों के कंधे पर बैठकर अपनी राजनीति दूरी तय कर रहे हैं। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो आप कहां छिपे थे? यकीन से कह रहा हूं 2022 में तय हो जाएगा, राकेश टिकैत बीजेपी के बल्ले से खेल रहे हैं। वहीं चचा जान वाले बयान पर बीजेपी ने भी टिकैत को आड़े हाथ लिया है। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी जी ने अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किसी और संदर्भ में किया था, लेकिन टिकैत अपनी रैली में लोगों को बुलाकर अल्लाह अकबर के नारे लगवा रहे हैं। मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश तुष्टिकरण की राजनीति से काफी दूर जा चुका है और 2022 का चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा। वहीं टिकैत के बयान पर भाजपा को निशाने पर लेते हुए सपा प्रवक्ता IP सिंह ने कहा कि यह साफ है कि भाजपा ओवैसी की पार्टी को प्रेशर देती है। बिहार में राजद को रोकने के लिए भाजपा के प्लान के हिसाब से वहां चुनाव लड़े और अब यूपी आ गए हैं। ओवैसी दक्षिण भारत के अन्य राज्य में चुनाव लड़ने नहीं चाहते, वे केवल तेलंगाना तक सीमित है। नोटबंदी के दौरान उनके बैंक में करोड़ों रुपए जमा हुए, लेकिन न तो ED ने पूछा और न CBI। 2014 से पहले ओवैसी को कौन जानता था? इनका उदय ही केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद हुआ है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो UP। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।